प्रेशर मत प्राप्त करें, नारी ऐसी गार्डनिंग करें जो स्त्री मनुष्य जैसा हो, सच में करें एक धर्म एक मत एक राष्ट्र एक नेता, और वहाँ का इंसान सौ कॉन्सियस है, कलयुग में सभी बॉडी कॉन्सियस है, इसलिए काम को लोग मोहन का भरे और उस वहाँ की दुनिया का जो इंसान का क्वालिफिकेशन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण देने का उनको विचारों का मालूम करके वो संस्कार भर रहे हैं कि नेक्स्ट पक्ष को जाकर हम ऐसा करेंगे जो परिवर्तन होगा सच में। संस्था के संस्थापक इनका अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा है, अलौकिक नाम दादा लेक सिंध हैदराबाद कराची के रहने वाले थे। 1937 में इनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, फिर नई दुनिया की स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ और पुरानी दुनिया के महाविनाश का भी साक्षात्कार। और ये 60 वर्ष के आयु में जब आए तो ये हीरे जवाहरात के नामी ग्रामीण व्यापारी थे और जितना इनका बिजनेस से धंधे से सने था उतना ही भक्ति भावना वाले थे। इन्होंने भक्ति काल में परम सत्य की खोज में 12 गुरु थे और एक दिन जब लास्ट गुरु था उस दिन सत्संग चला था, अचानक उठे सत्संग से कभी उठते नहीं थे और उठकर अपने कमरे में गए, उससे उनका चेहरा प्रकाश से भरा हुआ था और कमरा प्रकाशमान था। उसी समय निराकार ज्योतिष स्वरूप श्री भगवान ने प्रवेश किए और उनके मुखारविंद से आकाशवाणी सुनाई दी कि निजानंद स्वरूपम शिवो हम निजान स्वरूपम शिव, मैं निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्योतिष स्वरूप प्रकाश स्वरूप ज्ञान का सागर शांति का सागर सुख का सागर, अब मैं आपको निमित्त बनाता हूँ इस पुरानी कलयुग की सृष्टि को फिर से नई सृजन की सृष्टि में परिवर्तित। फिर इन्होंने अपना तन मन धन समर्पित किया और इस संस्था का गठन हुआ 1937 में सिंध हैदराबाद कराची जो कि अभी पाकिस्तान में। वही दिखाया कैसे पुरानी दुनिया का महाविनाश होगा, संपूर्ण विनाश नहीं परले नहीं चेंजिंग एटमिक वॉर सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटी, और फिर कैसे नई दुनिया की स्थापना जो आसमान से सितारे आते थे वो देवी देवता बन जाते थे, जहाँ एक धर्म एक मत, तो फिर से उसका जो है कलम विद्यालय के तो 1983 में बना है ओम शांति भवन, तो 2000 तक तो सारी एक्टिविटी यहाँ थी। तो सुबह में एक तो हम लोग 7 से 8 यहाँ मुरली क्लास सुनते हैं, जो स्पिरिचुअल क्लास इधर सुनते हैं क्योंकि संख्या ज़्यादा है, वैसे जब ज़्यादा संख्या होती तो मॉर्निंग जो अमृत वेले का मेडिटेशन है वो भी यहाँ ही होता है, वो हम 4 से 5 करते हैं। 3:30 बजे हम उनका जगने का रिकॉर्ड होता है, 3:30 बजे हम लोग जगते हैं, फिर फ्रेश होकर 4 से 5 यहाँ मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके बाद फिर 7 से 8 नेक्स्ट क्लास होता है। हाँ मुरली जो है हमारे यहाँ जो है 2 प्रकार की है, एक साकार मुरली एक अव्यक्त मुरली। तो साकार मुरली मीन्स 1937 में जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किए और तब से लेकर 69 तक जब तक बाबा रहे साकार में, तो जो उनके मुखारविंद से आकाशवाणी महावाक्य उच्चारण किए उसको हम साकार मुरली कहते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और दादी प्रकाश मणि संस्था की छिप बनी और दादी हृदय मोहिनी का चित्र तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, गुलजार दादी जिसको हम कहते हैं उनके तन में बाबा आते थे, इनके तन में नहीं आते थे जो दिल्ली के आजकल बॉम्बे में है, तो उनके तन में आए और अभी तक 2017-18 तक जो है उनके मुख हारवन से जो महावाक्य उच्चारण हुआ है ना वो अव्यक्त वाणी कहलाई। तो मुरली जो है अभी 43 बुक्स है, हर साल के अलग अलग मतलब कैसे हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सौन्नति कैसे हो, तो उसमें सारा आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में सृष्टि चक्र के बारे में सर डिटेल्स होता है, और किसी भी अव्यक्त वाणी में तो किसी एक टॉपिक के ऊपर एकदम डीप पावर ले जाते हैं ताकि उसका असर डेली जो होता है वो अलग अलग टॉपिक पे रहता है। नहीं डेली जो साकार मुरली होता है उसमें मिक्स होता है, मिक्स सागर की लहरें मिक्स होती है उसमें, और अव्यक्त वाणी जो होता है एक ही टॉपिक पे एकदम गया है। तो मुरली का वैल्यू है और हम लोगों का जो लक्ष्य होता है कि मुरली क्लास का भी मिस नहीं हो, मुरली हमारा
हमारा जीवन का स्वास्थ्य मतलब बहुत है, क्योंकि जैसे भोजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे जी पाएंगे। तो इसी तरह से ये अगर नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन नहीं, क्योंकि मुरली से सारों चारों सब्जेक्ट जो हमारा है वो कवर होता है, ज्ञान योग धारणा सेवा फोर सब्जेक्ट से नॉलेज, क्योंकि जितना हमको आत्मा परमात्मा तीनों लोगों तीनों कालों का नॉलेज होगा, नॉलेज के आधार से हमारा फिर योग है मेडिटेशन, और जितना हम मेडिटेशन करेंगे बाबा से कोई याद करेंगे उतनी हमारे अंदर शक्ति आएगी, और जितनी शक्ति आएगी जो भी शक्तियाँ सहन शक्ति संभालने की शक्ति समेटने की शक्ति जो भी शक्तियाँ परखने की शक्ति सामना करने की शक्ति उस शक्तियों के आधार से हम अपनी बुराइयों विकारों को विजय प्राप्त करते हैं, और हमारे जीवन में धारणा होती है तीसरा सब्जेक्ट का कवर होता है, और जितनी हमारे में धारणा होती है उतनी ऑटोमेटिक सेवा होती है, चारों का लिंक है, जितना ज्ञान की गहराई उतना योग, जितना योग उतने धारणा, और जितना धारणा उतना सेवा लिंक, तो वो चारों सब्जेक्ट उसमें रन करते हैं, तो वो मिस नहीं कर सकते हमारा फाउंडेशन है। और फिर अमृत वेले का योग वो भी एकदम जो है पावरफुल, जितना हम अमृत वेला हमारा शक्तिशाली हुआ, क्योंकि उस समय परमात्मा स्वयं सारी सृष्टि पर चक्र लगाते हैं, चक्र तो हम ऐसे लगाते हैं लेकिन वो समय बच्चों के लिए खास है, उस समय का एक सेकंड का भी अगर अनुभव आपने उस लाइट माइक को चेक कर टच कर लिया या उसका मन टचिंग हुई तो आपको सारे दिन खींचता रहेगा और सारा दिन होली हैप्पी मूड रहेगा, और उसकी जो है मतलब सारा दिन जैसे एक बार मोबाइल चार्ज कर चलता रहता है एकदम डाउन हो जाता है, और जिस दिन मिस किया मैंने बहुत कुछ खो दिया, वो ऐसा बताने से नहीं वो ऐसा प्राप्त होता है, तो इसलिए अमृत वेला भी हम कभी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड का जो अनुभव है ना हम फिर सारा दिन कितना भी मेहनत कर रहे हैं 24 घंटा वो टच नहीं हो सकती, जो सुबह का जो परमात्मा का हमको सकास देता है, हाँ वो जो जिस विजन जो सेवा वो चौथा सब्जेक्ट सेवा है, ये अमृत वेले का योग मॉर्निंग मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन यहाँ जब ज्यादा होते तो आते हैं, नहीं तो अंदर हमारा हिस्ट्री हॉल है मेडिटेशन हॉल और शांति स्थल है बाहर का कमरा वहाँ सभी लोग बैठते हैं, वैसे शाम का योग का भी महत्व है लेकिन अमृत वेला तो नाम ही अमृत वेला मॉर्निंग 4 o'clock पर वो इम्पोर्टेंस है, ब्राह्मण जीवन जीना है तो अमृत वेले का मेडिटेशन और ये मुरली क्लास ये दोनों चाहिए, तो आपका ब्राह्मण जीवन का ये जो पीके लाइफ है वो चलता रहेगा। आज की जो जनरेशन आज की जो लाइफस्टाइल है उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल तो लोग 8 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते फिर उठने के बाद की जो न्यूज नेगेटिव देखते ना पहले टीवी न्यूज पेपर, तो उससे जो फास्ट लाइफ है हार्ड वर्किंग लाइफ जो है उसी के ध्यान में रखते हुए ये जो करते हैं, ये तो भगवान का कार्य है, सृष्टि परिवर्तन किसी देहधारी मनुष्य का काम नहीं, कोई गुरु आने वाला नहीं है, स्वयं सर्वशक्ति।